नमस्ते दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। वाडा परिवार का हिस्सा कौन करेगा, पार्टी से जुड़ने पर विरोध, राज बब्बर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कहा है कि अगर वह वाड्रा पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे, वह परिवार का हिस्सा है, उनको पार्टी में सम्मिलित करने से कौन मना करेगा। गौरतलब है कि फरवरी में वाड्रा ने कहा था कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से नाम हटने के बाद वह सक्रिय राजनीति में आएंगे। बेटे को टिकट मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने की इस्तीफे की पेशकश। बीजेपी ने रविवार को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेश सिंह को हिसार हरियाणा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। घोषणा के बाद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को वंशवाद के खिलाफ बताते हुए कहा कि उन्होंने राज्यसभा व मंत्री पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। हरियाणा में 12 मई को मतदान होना है। बीएसपी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को यूपी के गाजीपुर से दिया टिकट। बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को उत्तर प्रदेश के अपने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। बीएसपी ने जेल बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं सुल्तानपुर से चंद्रभर सिंह, भदोही से रंगनाथ मिश्रा और मछली शहर से टी राम को टिकट मिला है। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।